नमस्कार एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, घर पर होगे, स्वस्थ होगे और सुरक्षित होगे। ठीक है, चलिए आज जो है हम सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक जो है उसका एक एक्टिविटी गतिविधि करेंगे। ठीक है, अभी तो हमारा PA1 का कोर्स कंप्लीट हो गया है, देन आफ्टर हम रिवीजन करेंगे, तो इसके पहले हम एक्टिविटी। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक एक्टिविटी जो बुक जब हमने स्टार्ट किया तो बुक हमारे पास नहीं थी, तो इसलिए हमने वो एक्टिविटी छोड़ दी थी। तो चलिए अब हम वो एक्टिविटी करेंगे। टेक योर गुलमोहर बुक, ओके, ओपन। पेज नंबर 8 दिया है ना, मेरा फोटो एल्बम। पिछले वीडियो में हमने किया माई सेल्फ, मतलब मेरा परिचय हमने किया। अब यहाँ हम एक एक्टिविटी करेंगे, मेरा फोटो एल्बम। हम एक अपना एल्बम बनाएंगे, मेरा परिवार, मेरा परिवार, अपनी परिवार का एक एल्बम बनाएंगे। ठीक है, फोटो एल्बम इसका टॉपिक है, मेरा फोटो एल्बम। देखो अब यहाँ जो है परिवार का चित्र दिया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी माँ से, है ना। ये है माँ, ये है पिताजी, फिर हैं बहन, फिर दादी जी, फिर दादा, फिर भाई। तो पूरे परिवार में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, ओके। तो हमें इसका, इन 6 का एक एल्बम बनाना है, ओके। देखो यह मैं हूँ, यह मैं हूँ मीन्स यहाँ जो है ये जो दिया है इसमें आपको अपना फोटो लगाना है। क्या लगाना है? अपना फोटो लगाना है। आपके पास पासपोर्ट साइज का जो फोटो होगा उसको यहाँ चिपका देना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ अब इनका परिचय, यह मैं हूँ, यहाँ आपका खुद का फोटो होगा। उसके बाद मेरा नाम, आपका जो भी नाम हो, ठीक है, आपका नाम जो भी है वो हिंदी में आप यहाँ लिखेंगे। कक्षा मीन्स आप किस क्लास में पढ़ते हैं ये मैं लिख देती हूँ क्योंकि ये कॉमन है, प्रथम, ठीक है, हिंदी में हम फर्स्ट को प्रथम कहते हैं, ओके। चलो अब आ जाओ मेरा परिवार, ठीक है, मेरा परिवार। हम सबसे पहले अपनी मम्मी से, माँ से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। शुरुआत किससे करेंगे? माँ से। ये है माँ, तो चलो अब हम यहाँ लिखते हैं माँ पे आ की मात्रा, माँ चंद्रविंदी। तो ये क्या हो गया? माँ मीन्स मम्मी। फिर है पिताजी, ठीक है, मेरे पिताजी। पपे छोटे की मात्रा पी, तपे आ की मात्रा ता, पिता, जपे बड़े की मात्रा जी, पिताजी, मेरे पिताजी। फिर उसके बाद आ जाओ यहाँ मेरी माँ पिताजी, फिर मेरी बहन। तो ये कौन है? बहन है। ब तीन वर्णों वाले शब्द हैं, ठीक है, बहन। कौन है? बहन, मेरी बहन, ओके, ये हमारी बहन है। अब देखो यहाँ, यहाँ हम आपने अपना फोटो लगाया। अब यहाँ जो है यहाँ आप माँ, अपनी मम्मी का पासपोर्ट साइज का फोटो लगाएंगे, ओके। किसका लगाएंगे? मम्मी का, माँ का अपने फोटो पासपोर्ट साइज का लगाएंगे। फिर यहाँ मेरे पिताजी, यहाँ आप अपने पिताजी मीन्स अपने पापा का फोटो लगाएंगे। और यहाँ आपकी अगर बहन है कोई तो उसका पासपोर्ट साइज का फोटो लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ जो है नीचे दिया है, यहाँ आपकी मम्मी का नाम लिखना है, आपकी मम्मी का जो भी नाम हो, ठीक है, आपकी मम्मी का। सबकी मम्मी के नाम अलग अलग हैं तो मैं एक नाम तो लिख नहीं सकती हूँ, है ना। तो यहाँ हिंदी में आपको आपकी मम्मी का नाम लिखना है, यहाँ आपके पापा का नाम लिखना है, पिताजी का, और यहाँ आपको अपनी बहन का नाम लिखना। अगर आपकी बहन अपनी नहीं है तो कजिन सिस्टर भी चलेगा, उसका भी पिकअप लगा सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। अगर नहीं है, कुछ भी नहीं है तो क्रॉस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ फिर ये जो है बहन तक हमने कर लिया। उसके बाद ये जो है, ये है हमारी दादी, दप आ की मात्रा दा, दपे बड़ी की मात्रा दी, दादी। क्या हो गया? दादी, ओके, दपे आ की मात्रा दा, दपे बड़ी की मात्रा दी, दादी।
ओके। अब दादी के बाद बारी है दादा की, ठीक है। तो ये जो बैठे हैं यहाँ दादा लिखा हुआ है ना, तो ये हमारे दादा हैं, तो मेरे दादा, ठीक है। यहाँ मेरी दिया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, यहाँ मेरी नहीं होगा, मेरे, ठीक है। यहाँ रौ पे एक ही मात्रा होगी, मेरे दादी के बाद कौन है, दादा, कौन है, दादा, दादा, ओके। फिर मेरे, मेरा, मेरे नहीं होगा, यहाँ मेरा होगा, मेरा भाई, ओके। तो अब देखो ये हो गया, ठीक है। यहाँ आपका अपना नाम लिखना है, यहाँ आपका अपना फोटो होगा, उसके बाद मेरा नाम, आपका जो भी नाम है, ओके। फिर ये आपका परिवार है, ठीक है। ये आपकी मम्मी है, माँ, वहाँ आपको अपनी माँ का फोटो लगाना है। ये आपके पिताजी हैं, यहाँ आपको अपने पिताजी का फोटो लगाना है। ये आपकी बहन है, यहाँ आपको अपनी बहन का फोटो लगाना है, ठीक है। फिर मेरी दादी, मेरे दादा, फिर यहाँ नाम भी आपको लिखना है, अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे, आपकी मम्मी का जो भी नाम है। फिर अपने पापा का नाम आप लिखेंगे, मीन्स पिताजी मीन्स पापा, वहाँ आप उनका नाम लिखेंगे। फिर आप अपनी बहन का नाम लिखेंगे, ओके। फिर अब देखो आगे, दादी, मेरे दादा, मेरा भाई, ठीक है। मेरी दादी, मेरे दादा, मेरा भाई, तो सेम दादी माँ का आप यहाँ लगाएंगे, है ना, उनका फोटो यहाँ लगाएंगे। फिर अपने दादा का फोटो यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ आप अपने भाई का फोटो लगाएंगे, ओके। अगर आपके पास भाई नहीं है तो आपके कजिन ब्रदर भी चलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ आपको अपनी दादी का नाम लिखना है, यहाँ आपको अपने दादा का नाम लिखना है, यहाँ आपको जो है अपने भाई का नाम लिखना है। यहाँ आपको अपना और अपने परिवार के लोगों का फोटो जो है सही जगह पे चिपकाना है, फिर उसके बाद ये लिखना है, ठीक है। तो ये आज हमारा, हमारी कौन सी एक्टिविटी थी, मेरा फोटो एल्बम। तो अब जब आप फोटो चिपकाओगे और उनके बाकी चीज़ें तो मैं आपको बता दी, बट जो है वो आपको इसके बाद खुद ही करना है। आज का यही क्लास वर्क भी है और होमवर्क भी है, ओके बच्चों। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है, नाम भी आपको खुद से लिखना है, और फोटो जो है आपको यहाँ चिपकाना है, स्टिक करना है, ठीक है। चलो, उम्मीद है कि ये फोटो एल्बम आप बहुत अच्छे से तैयार करोगे, ओके बच्चों। चलो धन्यवाद।